राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित कर समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। माता कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख के सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। माता कौशल्या आदि धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित कर मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुम्ब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के साथ अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुम्बियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी चिंता विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो श्री सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है।
यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण श्री सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे में और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम और श्री सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा ही किया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु जी के ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए वेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं।
सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। जय श्री राम। अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 452 से 503 तक। अयोध्या वासियों के द्वारा भरत का वनगमन एवं मार्ग का वर्णन। आइए श्री राम कथा शुरू करें। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे बुरा कहेगा, लेकिन मुझे परलोक का सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी का सील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मड़ी नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं।
आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था के लिए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राय माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने का सुख आसन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे तर उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किया और दूसरा मुकाम गोमती के तट पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलार करते, कोई कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे।
निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर के आए हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है, विष की बेल अमृत की फल कभी नहीं दे सकती। ऐसा विचार कर निषाद राज गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा, मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद रहित हो गया और सबको उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को वंदना कर सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बरछों की सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा ही काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों का छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा,
भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीनता का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेही को पहचान लूंगा, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुहू ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुहू को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंक वार भर कर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो आता है, पापों के समूह, कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहू को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मूर्ख और पामर, चांडाल सवर, खस यवन, कौल और किरात भी राम नाम कहते ही पवित्र और परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने जिसको बढ़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर
मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहां तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए और उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और माता गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। माता गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहां श्री सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से
आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो बार चरणार बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में से ये वचन बोले। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणि श्री सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर जी, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। जो सुखपूर्वक रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी सेवा सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मड़ी की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पाप के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी
बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण कर देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रिया को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने प्रस्थान किया। उसके उपरांत आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कौतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने वाला क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो आप दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष की ही इच्छा चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर
चातकी की सुधि बुला दे और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातकी रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देव वाणी कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानी कर रहे हो, श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानी मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई है। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी बस हुआ, बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है,
पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास मुकुट और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारी यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होता चला जाएगा। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते भगवान शिव जी कभी तृप्त नहीं होते, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम की हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान बड़ा कोई पाप नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य स्वयश विश्वभर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए बन बन में फिरते हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं
और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस रोग की औषधि कहीं नहीं मिली। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुखाट बुरा समाज रचा और सारे जगत 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल और जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल और लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही पूजा भी तो होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अड़मादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिजन ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट वाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी जन लोग भी बैराग्य भूल जाते हैं।
आसन सेज सुंदर वस्त्र चनोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के सामान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान के पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। उसके उपरांत रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे वैसा सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों पर वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हो ही गए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए है कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो हरि श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है, मनुष्य जैसा आप होता है जगत में उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो।
श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उल्टा उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास कथा प्रसिद्ध हैं, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इनके साक्षी हैं। ऐसे हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वरण जल देखकर सब लोग श्याम वरण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विषय से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए
खान पान आदि की भी सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नामें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के सुपुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण देवी सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही हैं, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह बेस वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना देवी सीता जी की ही संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन को भाया और सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। जो हमारे अनुकूल है, कहां तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में रहती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहां यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। श्री भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी भी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं
और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कौल आदि वनमानसी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, उनमें से जिस जिस से प्रणाम करते पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और श्री भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने अंग फड़क रहे हैं और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह ही हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्वनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर श्री जानकी जी, जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में दो ही कोस चले पाए हैं और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को श्री सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। श्री सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी श्री महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत समय से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे सब चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है।
फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। से सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे बिना समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ, सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कुछ कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके श्री चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर के श्री राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं, अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया, भरत ने वह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने हमें काम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है कि भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी,
मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तम तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया, तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी भी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष परम पिता ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है और ना देखा ही गया है। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण और शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ
पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां सिया राम जी श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी ने अपनी माता केकई की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हुए सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी वो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया, मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाली इन छह उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह राजा श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये सात अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूगर,
भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है, पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर, पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो परम पिता ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहां श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। वहां तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में माता सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में माता सरस्वती जी भी सकचाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी ने